संसार के सबसे शक्तिशाली ऋषि, प्राचीन काल से जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हम ऐसे ही कुछ बलवान और शक्तिशाली ऋषियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें संपन्न किया। चाहे वह विज्ञान हो या फिर अस्त्र शस्त्र हो या फिर अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञान हो या योग और चिकित्सा हो, उनका योगदान हर तरफ से रहा है। उन्होंने ही धर्म का ज्ञान अर्जित कर हमें जागृत किया है। पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक ऋषि हुए, जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, जिनके आगे देवता भी झुकते थे। पौराणिक काल में ऋषि तो बहुत हुए थे, पर एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया था। एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्होंने राम लक्ष्मण को सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। एक ऐसे भी ऋषि थे जो अपने तपोबल से नया स्वर्ग, तारामंडल और ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जो एक ही घूंट में पूरे समुद्र को पीने की क्षमता रखते थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जिनके पास क्षण भर में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति थी। सभी ऋषियों के पास एक से बढ़कर एक विद्याएं और शक्तियां थीं। सभी के सभी बड़े ही विद्वान और शक्तिशाली थे और तपोबली थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कौन थे सर्वश्रेष्ठ ऋषि? क्या ऋषि कश्यप सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या ऋषि भृगु सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। या दुर्वासा श्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोचेंगे, लेकिन यही अंदाजा लगाने में मुश्किल होगी कि कौन थे पौराणिक काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ। उनके जैसे आज तक नहीं हुए और ना ही शायद आगे कभी होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में महान शक्तिशाली और तेजस्वी ऋषियों के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि। ऋषि भृगु, महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की प्रतिक्रिया को रचने में मदद करने के लिए बनाया था, और इन्हीं महर्षि भृगु ने कई यज्ञ को संपन्न किया था और दूसरों के यज्ञों को पूरा करने में उनकी मदद की थी और अपनी शक्तियों के साथ लोगों की इच्छाओं को पूरा किया था। महर्षि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की थी। कहते हैं महर्षि भृगु ने ही संजीवनी विद्या की खोज की थी, अर्थात जीवित करने वाली विद्या उन्होंने ही खोजी थी, और पारंपरिक रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। महर्षि दुर्वासा, अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के प्रमुख संतों में से एक हैं। वे ना होते तो शायद महाभारत कभी ना होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्रों का वरदान मंत्र स्वरूप दिया था। वे अनसुईया और अत्रि के पुत्र थे और स्वभाव से बड़े ही क्रोधित किस्म के थे। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ था और भगवान शंकर के रुद्र अवतार से ही महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका रूप अति रुद्र देखा जा सकता है और वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना तो फिर भी सरल है, पर ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। इन सबके बाद भी वह बड़े ही दयालु थे तथा अत्यंत करुणामय थे। जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से कितने लोगों का जीवन भी बर्बाद हो गया था। वे देवों और मनुष्यों में सामान्य रूप से आदरणीय थे, सभी उनका सम्मान करते थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि भरद्वाज यजुर्वेद के छठवें मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में ऋषि भरद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी ऋषि भरद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में ऋषि भरद्वाज का अत्यंत उच्च स्थान है।
भरद्वाज ऋषि ने रामायण में भी वनवास के दौरान श्री राम जी से भेंट की थी। श्री राम के जाने के बाद जब भरत हजारों लोगों को लेकर श्री राम के बारे में पूछ रहे थे और ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे, तब ऋषि भरद्वाज ने अपने तपोबल की शक्ति से जादुई तरीके से सबका स्वागत किया था। सबको मन चाही वस्तुएं प्राप्त कराई थी। भरद्वाज ऋषि एक ऐसे महान वैज्ञानिक ऋषि के रूप में जाने जाते हैं जिनका जीवन तो अत्यंत साधारण था, लेकिन उनके पास लोक उपकरण धारक की महान दृष्टि थी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार धनुवृद्ध का प्रवचन भी किया था। ऋषि भरद्वाज ने मंत्र सरस्वती नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को सर्वेद्र अग्नि विद्या का ज्ञान दिया था। ऋषि भरद्वाज ने उस अग्नि विद्या को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया था। आयुर्वेद के प्रयोग में वे परम निपुण थे। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मगन रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थीं, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। अन्य पत्नियों से देवों, असुरों, नागों और कई प्रजातियों का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में लिया था और सभी दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति के साथ हुआ था। इन्हीं की पत्नी कद्रु से समस्त नागों का जन्म हुआ है। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिनमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शिल्प शस्त्रकार जिसमें वस्तु कला और प्रतिमा और विज्ञान मौजूद है, उनके रचयिता भी ऋषि कश्यप ही थे। ऋषि वशिष्ठ विशेष प्राचीन काल के वैदिक ज्ञान तपस्वी और महाज्ञानी थे। वे ब्रह्म ऋषि में से एक हैं तथा देवों और सूर्यवंशियों के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है तथा प्रजापतियों में से एक कहा गया है। एक समय में कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच में युद्ध भी हुआ था। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन पर क्रोध में भयंकर कई महाशक्तिशाली अस्त्र चलाए थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से उन सभी को शांत कर दिया था और ऋषि विश्वामित्र को हरा दिया था। ऋषि वशिष्ठ तेजस्वी थे। यजुर्वेद में कितने ही मंत्रों एवं सप्त मंत्र की दृष्टा भी ऋषि वशिष्ठ को ही माना गया है, और यही ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम के कुल गुरु माने जाते हैं। भगवान श्री राम के वनवास लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्य अभिषेक करवाया गया था और राम राज्य की स्थापना संभव हुई। ऋषि अगस्त को प्राचीन वैदिक ऋषि माना गया है। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की ओर यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में उनका यह वर्णन आया है, एक बार समुद्री राक्षसों से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में गए और अपना दुख इनको सुनाया था। तब वह राक्षसों को बाहर निकालने के लिए सारा समुद्र पी गए थे और फिर सभी राक्षसों का विनाश हुआ। एल्विल तथा तपी नामक दो राक्षस द्वारा हो रहे संहार को इन्होंने रोका और लोक महान कल्याण हुआ। एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोक कर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन ही बंद हो गया। सूर्य इनकी शरण में आए तब इन्होंने विंध्याचल पर्वत को स्थिर कर दिया और भगवान सूर्य का मार्ग सदा के लिए प्रशस्त हो गया। इस प्रकार के बहुत से असंभव कार्य महर्षि अगस्त ने संभव किए थे और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री राम वन जाते समय में उनके आश्रम पधारे थे और इनका जीवन कृतार्थ किया। भगवान श्री राम ऋषि अगस्त को बहुत मानते थे। वनवास के समय उनके आश्रम गए थे, तब ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को कई शक्तिशाली अस्त्र दिए थे। रामायण काल में रावण वध के बाद जब श्री राम जी अयोध्या आए, तब भी वह श्री राम को आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। ऋषि विश्वामित्र
ऋषि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने हजारों वर्षों तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय लेनी चाही, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने वह देने से इनकार करते हुए उन सभी को पराजित कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। फिर विश्वामित्र जी ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी और भगवान शिव से ब्रह्मांड में ज्ञात और अज्ञात सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया था और पुनः वे ऋषि वशिष्ठ से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्र चला दिए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड के माध्यम से अपनी समस्त तपोशक्ति को एकत्रित किया और उस शक्ति ने सभी दिव्य अस्त्रों को तेज हीन कर दिया। ऋषि विश्वामित्र जी ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के पश्चात पुनः तपस्या करना आरंभ कर दिया। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने का इंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। अतः विश्वामित्र जी भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए। आगे उन्होंने फिर तप किया, जिसके फल स्वरूप वह ब्रह्म ऋषि बन गए। एक सूर्यवंशी राजा को स्वः शरीर स्वर्ग भेजने का वादा निभाने के लिए कई देवताओं को पराजित कर दिया और खुद का स्वर्ग और नक्षत्र ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया था। तब सभी देवता सहित सभी प्राणी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से भयभीत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वह रुके थे। समस्त संसार के सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी ही हैं। और तो और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने ही कई दिव्य विद्याएं और अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया था। विश्वामित्र जी ने आज तक हुए सभी अस्त्र शस्त्र और आगे होने वाले सभी को अपने तपोबल से अर्जित किया है।